इनहिबिटर ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो डाउन या स्टॉप कर देते हैं। इनहिबिटर आर द केमिकल सब्सटेंस विच स्लो डाउन और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन या स्टॉप कर देते हैं, ये इनहिबिटर या तो इस एक्टिव साइट के साथ टेम्परेरली या परमानेंटली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी स्लो डाउन या स्टॉप हो जाती है। इन्हें हम नाम देते हैं इनहिबिटर का। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स की। इन डिफरेंट एग्जांपल्स में साइनाइड पॉइजन वगैरह ये इनहिबिटर्स हैं, फिर ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटीमेटाबोलाइट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर्स आर ऑफर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप का जो इनहिबिटर है उसे नाम देंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर, जैसे कि ये एंजाइम, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो जाती है। क्योंकि ये इस एक्टिव साइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हो जाती है, इसलिए इनको यहां से डिटैच करना मुश्किल है, इसलिए नाम दे दिया इरिवर्सिबल इनहिबिटर। या फिर ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम का ये जो ग्लोबुलर पार्ट है, ये इस ग्लोबुलर पार्ट को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम देते हैं। दूसरी जो टाइप है उसे कहेंगे हमें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं कि जिसमें आप रिएक्शन रेट को रिवर्स कर सकते हैं, यानी आप यूं कह सकते हैं कि आप इनके इफेक्ट को स्लो डाउन या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं। इन रिवर्सिबल इनहिबिटर की फर्दर टू टाइप्स हैं, जिसमें एक को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। जैसा कि आप एग्जांपल देखें, ये एंजाइम और आप समझ लें ये एंजाइम का सबस्ट्रेट है। अब ये हमारे पास समझ लें कोई एक इनहिबिटर है। अब होता ये है कि इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट में जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर को देखती है, तो ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में यहां से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, तो फिर ये इनहिबिटर यहां पे सिलेक्ट हो जाता है, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिससे फिर आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमारे पास एक एग्जांपल है मेलोनिक एसिड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में मेलोनिक एसिड एक इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट होगा सक्सिनिक एसिड। एंजाइम होगा सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज। तो इस रिएक्शन, ये एक रेस्पिरेटरी रिएक्शन है, तो इसमें मेलोनिक एसिड जो है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ये एक टाइप। दूसरी जो टाइप है उसे हम नाम देते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर।
इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिटर कैन नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट. इनहिबिटर अपने आप को एक्टिव साइट के अलावा जो पार्ट है वहां पे जाके अटैच कर लेता है. सपोज इस जगह अटैच हो गया कोई भी इनहिबिटर, तो इससे अगेन बन गया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, तो फिर इनहिबिटर से आगे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे. इसे हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एग्जांपल बताइए आपको मेलोनिन एसिड, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है हमारे पास एटीपी. एटीपी एक्ट एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम है जिसे कहते हैं फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज. इस फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के लिए ये जो एटीपी है ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर.